ar-rahman ar Rahim Assalamu Alaikum my dear children I am going to teach you general science and for that you need these books number 1 textbook general science css series kentur publishers number 2 summer pack for doing your summer task number 3 all the activities are given in the book workbook science 2. beside that, you may need further help for that. we are having resource pack. either your teacher or your parents can download resource pack from the official website of the kentuck publishers. so, my dear students, get ready to learn science 2. dear students, today we are going to start chapter number 3. and the chapter number 3 is प्लांट्स पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और उसके बाद जो लिविंग थिंग्स थी उनको हमने दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया था नंबर वन प्लांट्स एंड नंबर टू एनिमल्स तो प्यारे बच्चों आज हम प्लांट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आई एम डेम शोर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट्स लेट्स हैव अ ऑन द ऑफ द चैप्टर नंबर वन नेम द प्लांट्स दैट ग्रो इन देयर सराउंडिंग्स अपने सराउंडिंग्स में जितने प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके आपने लिस्ट बनानी है और उसके बाद आइडेंटिफाई मेजर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आज हम मेजर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी पढ़ेंगे लिस्ट द फंक्शन ऑफ रूट स्टेम लीफ एंड फ्लावर आज हम रूट स्टेम लीफ और फ्लावर के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये फ्लावर में ये किसी भी प्लांट में क्यों होते हैं इनका क्या काम होता है और उसके बाद आइडेंटिफाई द रूट्स आर इटन बाय पीपल सम रूट्स यानी द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर बींग इटन बाय अस तो ये भी जानेंगे आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स फाउंड अराउंड डेम आपके इर्द गिर्द कितने टाइप के लीव्स हैं जी हां लीव्स में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो आज हम सीखेंगे और उसके बाद आइडेंटिफाई दट साइल एंड वाटर इज नीडेड टू ग्रो प्लांट डियर स्टूडेंट्स यू सी दिस ट्री ट्रीज क्या करते हैं हमारे लिए ये बहुत ही फ़ायदा मंद है हमारे माहौल को बेहतरीन रखती हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स फ्ला ट्रीज और इसके अलावा हमें शेडो देते हैं हमें फ्रूट्स देते हैं हमें और प्लांट्स जो होते हैं वेजिटेबल्स देते हैं और इसके अलावा इसके और बेतहाशा फ़ायदे हैं हमारी जिंदगी के लिए तो प्यारे बच्चों लेट्स गो To see that how many advantages are there of plants. You can see here, see the text. some text You will enjoy it. Plants are living things. Yes, plants are living things. Plants prepare their own food using water and sunlight, so they are called autotrophs. Plants are important part of the environment. सम प्लांट्स आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स वाइल सम आर मेडिसिनल प्लांट्स प्लांट्स के बहुत सारी किस्में होती हैं प्यारे बच्चों कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हमें फ्रूट देते हैं कुछ प्लांट्स हमें फ्लावर्स देते हैं कुछ प्लांट्स यानी ऑर्नामेंटल परपज खूबसूरती के लिए हम घरों में लगाते हैं और कुछ प्लांट से हम मेडिसिन भी बनाते हैं यहां पर कुछ प्लांट्स है लेट्स है ग्लांस यू टैव मी रोज किस मकसद के लिए होता है जी हां दिस इज ऑर्नामेंटल प्लांट और मनी प्लांट आप लोगों ने रूम्स के अंदर भी देखा होगा वरान्डाज में ऑफिस में ये वो मनी प्लांट है खूबसूरत किस्म का ऑलवेज ग्रीन एवर ग्रीन प्लांट है ये आपने मुख्तलिफ जगहों पर देखा होगा यानी आउटसाइड नहीं बल्कि इन साइड रूम्स और ऑफिस में भी देखा होगा एंड दिस इज एलोवेरा एलोवेरा का नाम सुना होगा दिस मेडिसिनल प्लांट्स और मुख्तलिफ ब्यूटी क्रीम्स वगैरह में इस्तेमाल होता है और उसके बाद पी पी एज ए वेजिटेबल भी हम कहते हैं और कुछ मेडिसिन में भी यूज होता है सो दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस अनामेंट्रल प्लांट्स आर ग्रोन फॉर डेकोरेटिव पर्पजेज हम्म सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर एंड दे आर कॉल्ड इक्वेटिक प्लांट प्लांट्स विच लव टू लीव इन वाटर इस कार्ड इज इक्वेटिक प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल वाटर लीली एंड फ्लोटिंग हर्ट वंडरफुल सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स एंड दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स प्यारे बच्चों आपने कितने टाइप्स पढ़ लिए यहां पे वो प्लांट्स जो पानी में रहना पसंद करते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं और जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं उनको डेजर्ट्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बैरल कैक्टस और डेजर्ट एगेवर ये वो प्लांट्स हैं जो डेजर्ट्स में ज्यादा शौक से उगे जाते हैं नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स दिस डायग्राम यू आर वॉचिंग दिस इज वंडरफुल ये जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि प्लांट्स क्या करते हैं वो खुराक खुद बनाते हैं तो प्यारे बच्चों आगे भी हम पढ़ेंगे इसको ये देखें सनलाइट की मदद से सनलाइट की मदद से पौधे क्या करते हैं नीचे यानी दिस इज द अंडरग्राउंड पार्ट इधर रूट्स है और रूट्स से पानी ऊपर आता है यानी इसके स्टेम के अंदर जाता हुआ और जब ये लीफ में पहुंचता है तो इस लीफ के ऊपर सन रेज लगती हैं और सनरेज में एक केमिकल होता है जिसको क्लोरो फिल कहते हैं आप लोग अगली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे तो क्लोरोफिल क्या करती है प्यारे बच्चे के वो इससे खुराक बनाते हैं और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं ऑटो इसलिए इनका नाम अटोट्रफ्स है और इससे बहुत बड़ी एडवांटेज जहां पे तुम एक साइकिल देख रहे हो ये देखो क्या कर रहे हैं प्लांट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन हमें देता है और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए सो so, प्यारे बच्चों आपने देखा प्लांट्स के, के कितने टाइप्स होते हैं और प्लांट्स है क्या और उसके बाद दो हमने पढ़ लिए अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स और हमने डेजर्ट प्लांट्स के बारे में पढ़ा और यू सी ये जो नेम्स हैं ये भी आप याद रखें दिस इज रोज प्लांट दिस इज मनी प्लांट दिस एलोवेरा दिस इज पी प्लांट एंड दिस इज वाटर लिली एंड दिस इज फ्लोटिंग हर्ड एंड दिस इज बैरल कैक्टस एंड दिस इज डेजर्ट एगे तो आपको अगर एग्जाम्स में आए और आप कहीं पे भी इन प्लांट्स के बारे में देखो तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फर्दर जानिए मजीद अगली क्लासेस में जब आप इन प्लांट्स की करेक्ट्रिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट वहां बहुत ज्यादा फायदा देगा सो so, प्यारे बच्चों आई एम वेरी श्योर कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए और अभी टाइम आ गया आपके होमवर्क का तो होमवर्क के लिए तुमने क्या करना है आपने वर्क बुक ओपन करनी है और वर्क बुक में इसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और रिलेटेड टू दीज प्लांट्स और इसका जो ऑटोट्रॉफिक नेचर है इसके साथ ये एक्टिविटीज आपने समर पैक में भी करनी है और वर्क बुक में भी करनी है सो बेस्ट ऑफ लक माय रियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज